नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और पटना का बिहार उद्योग मेला महिला के द्वारा लगाया गया है और हमारे बापू सभागार में है। बापू सभागार ऑसम बिल्डिंग के ऑनर साजी अली जी से बात करेंगे कि मैम क्या क्या प्रोडक्ट आप यहाँ इस मेले में लगाए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएँ। हाँ, नमस्ते। मैं ऑसम बुटीक से हूँ और यहाँ पर मैं सारे मटेरियल के साथ है, जो डिज़ाइनर सूट्स, लहंगा, शरारा सभी के साथ और हर रेंज को लेकर आती हूँ। ऐसा नहीं कि जो थोड़े से गरीब टाइप के इंसान आ रहे हैं वो नहीं ले पाएँ, हर रेंज का यहाँ पर रखती हूँ। वो 1200 से स्टार्ट होकर 5000-10000 इस रेंज में जाता है और इस मेले में आकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एक तरह से कभी मतलब कम रेंज का भी देने में अच्छा लगता है और कुछ जो भी अपना मटेरियल ये सब है उसका भी थोड़ा बुटीक से हट के यहाँ पे काम करने में और भी अच्छा लगता है। और हमेशा हम लोग आते ही हैं इस मेले में बिहार महिला उद्योग संघ से, और ये अभी कोविड को लेके थोड़ा हम लोग बैक हो गए थे मगर फिर से हम लोग इसमें। ओके मैम, जनता जनार्दन के बीच में इस बार मैम हरी प्रत्याशी के तौर पर खड़ी भी हो रही हैं और जिस तरह से गरीबों को आप हमेशा सेवा कर रही हैं, यह पाटलिपुत्र की जनता वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो अपने जनता से बस यही अपील करना चाहूँगी कि जैसे मैं हर फील्ड में हूँ, आपको मैं दिख रही हूँ, अभी महिला उद्योग संघ में हूँ और अपने वार्ड 22 में भी हूँ, दोनों जगह से मिलकर मैं काम कर रही हूँ। इलेक्शन को भी नहीं भूली हूँ मैं और इस काम को भी नहीं। वैसे ही मैं कहना चाहूँगी कि जिस फील्ड में भी आप हैं उसमें आगे बढ़ें और खूब लगन से। सीधा देखिए इनका ही कहना है, भावी प्रत्याशी हैं वार्ड 22 और इनका साजी अली जी का ही कहना, सेवा ही समर्थ हो और सेवा ही धर्म के माध्यम से जनता जनार्दन के बीच में काम करेंगे। जनता जनार्दन के लिए ही खड़ा होने तत्पर के। खबरों के साथ बने रहिए कुमार असन, भारत न्यूज 24।